बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन का दौर काफी पुराना रहा है। 70-80 के दशक में दर्शकों के बीच एक्शन की खूब डिमांड होती थी। डायरेक्टर भी दर्शकों की डिमांड के हिसाब से खूब एक्शन परोसते थे। एक्शन फिल्मों के लिए हमेशा से हट्टे खट्टे विलन की जरूरत होती थी, जो मार धाड़ और स्टंट करने में माहिर हो। ऐसे में उस समय एक एक्टर दूसरी फिल्म में देखा जाता था। 23 अक्टूबर 1953 को मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में मानिक ईरानी का जन्म हुआ था। छोटी सी उम्र में मानिक ईरानी को कुश्ती बहुत पसंद थी, इसलिए एक्शन फिल्में उन्हें खूब पसंद आती थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका जरा भी मन नहीं लगता था। तो ये छोटी सी उम्र में ही मुंबई की स्ट्रीट बॉक्सिंग में हिस्सा लेने लगे। जल्द ही स्ट्रीट बॉक्सिंग में इनकी खूब चर्चा भी हो गई। उस जमाने में मानिक ईरानी का सपना हुआ करता था कि उन्हें फिल्मों में स्टंटमैन बनना है। एक दिन मनिक का एक बॉक्सिंग मैच देखने आए शेट्टी, वहीं शेट्टी जिन्हें अपने पुराने दौर के ढेरों फिल्मों में देखा होगा। आज के जमाने में एक्शन फिल्मों के नामी डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन्हीं शेट्टी साहब के सुपुत्र हैं। शेट्टी साहब को मानिक ईरानी का बॉक्सिंग लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। चूंकि शेट्टी साहब उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी स्टंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने मानिक ईरानी को अपनी फाइटर्स की टीम से जुड़ने का ऑफर दिया। शेट्टी साहब ने मानिक से कहा कि तुम मेरे साथ रहकर फिल्मों में फाइटर का काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना फिल्मों में फाइटिंग करना कई दफा काफी खतरनाक हो जाता है, इसलिए सोच समझ कर ही फैसला लेना। अब मानिक ईरानी तो अपनी असल जिंदगी में भी खतरों के खिलाड़ी ही थे, इसलिए बिना कोई देर किए उन्होंने शेट्टी साहब का वो ऑफर कबूल कर लिया और जल्द ही मानिक ईरानी ने शेट्टी साहब के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। और क्योंकि मानिक की पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त थी, तो उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी मिलने लगे। 70 के दशक में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा, तो मानिक ईरानी जैसे कलाकारों के लिए बढ़िया बात साबित हुई, क्योंकि इस दौर में अमिताभ बच्चन का नया नाम सितारा बॉलीवुड को मिल चुका था, जो एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर भी हो चुका था। तो एक्शन फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने भी ज्यादा से ज्यादा एक्शन फिल्में बनानी शुरू कर दी और ज्यादातर बड़ी एक्शन फिल्मों के हीरो अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे। ऐसे में मानिक ईरानी को भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा महत्व मिलने लगा। मानिक कटकाठी में अमिताभ बच्चन जैसे ही थे, सो मानिक को ही अमिताभ के बॉडी डबल की हैसियत से फिल्मों में लिया जाने लगा। इस तरह मानिक के पास काम की कोई कमी ना रही। कम ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट मानिक ईरानी ने ही किए थे। मानिक ने अमिताभ जैसे कपड़े पहने और हर एक्शन सीक्वेंस को बखूबी शूट किया। डॉन सुपरहिट रही थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म की रिलीज के बाद लोकप्रियता चरम पर पहुंच गए थे। हर किसी ने अमिताभ की तारीफ की थी। फिल्म क्रिटिक्स ने भी अमिताभ की शान में खूब कसीदे पड़े, लेकिन किसी ने एक जगह भी मानिक की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा, ना ही मानिक को किसी भी तरह का क्रेडिट फिल्म में मिला। बतौर एक्टर मानिक ईरानी की पहली फिल्म थी साल 1974 में रिलीज हुई पाप और पुण्य। इसके 2 साल बाद 1976 में ये नजर आए कालीचरण में। छोटे रोल के बावजूद इस फिल्म में मानिक के काम को बहुत पसंद किया गया था। 2 साल बाद यानी 1978 में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म त्रिशूल में भी काम किया। इसी साल ये एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म विश्वनाथ में नजर आए। इस फिल्म में इनका रोल काफी छोटा लेकिन प्रभावशाली था। अगले साल यानी 1979 में नजर आया अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नटवरलाल में, और ये फिल्म अमिताभ के साथ अगले साल ये फिल्म शान और सिलसिला में नजर आए। कहना चाहेंगे कि अपने करियर में इन्होंने सबसे अधिक फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ ही की थीं। अमिताभ के साथ इनकी प्रमुख फिल्में थीं नास्तिक, मर्द, गिरफ्तार, अजूबा और तूफान। अमिताभ के अलावा इन्होंने धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, संजय दत्त और कई दूसरे सिने स्टार्स के साथ भी ढेरों फिल्मों में काम किया था। हिंदी फिल्मों के अलावा मानिक ईरानी ने अफ्रीका डल्ली नाम की कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म में ये अब्दुल नाम के पोचर बने थे, जो अफ्रीका के जंगलों में अवैध रूप से जानवरों का शिकार करता है। मानिक ने त्रिनेद्रुदु नाम की एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया। यही फिल्म में आज की शहंशाह नाम से हिंदी में डब करने को रिलीज की गई थी। मानिक के बारे में एक खास बात यह है कि यूं तो मानिक ईरानी ने लगभग हर फिल्म में बुरे आदमी का किरदार निभाया था, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें ये कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि एक आम पुलिस वाले बने थे। साल 1981 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आमने सामने में ये एक हवलदार बने थे जो मिथुन के हाथों मारा जाता है। इस बात को भी शायद ही कोई जानता होगा कि राम से ब्रदर की सुपरहिट हॉरर फुरानी हवेली में मानिक ईरानी ने एक हैवान का किरदार निभाया था, और यकीनन उस किरदार में मानिक ईरानी को देखकर हर कोई हैरान और खौफजदा।
इस रोल के बाद तो मानिक का खौफ बच्चों में इतना ज्यादा हो गया था कि जब मानिक अपनी आम जिंदगी में किसी सड़क से गुजरते थे तो बच्चे डर के मारे छिप जाया करते थे। मानिक ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। अक्सर फिल्मों में इनके रोल इतने छोटे होते थे कि ये साल में लगभग 10 फिल्मों में काम करते थे। इनकी सबसे प्रमुख फिल्म है हीरो, जिसमें इन्होंने बिल्ला का किरदार निभाया था। दरअसल वही इनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार था। इस किरदार के बाद ये बिल्ला के नाम से भारत भर में मशहूर हो गए थे। 1987 में रिलीज हुई सड़क छाप और 1991 में रिलीज हुई प्रतिकार में इनके किरदार का नाम बिल्ला था। दरअसल सुभाष घई मानिक के साथ काले चरण में काम कर चुके थे और तभी से मानिक को पसंद करते थे। हीरो की कास्टिंग के दौरान बिल्ला के किरदार के लिए उन्हें मानिक से अच्छा कोई दूसरा कलाकार नहीं लगा। मानिक ईरानी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फरिश्ते, बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी, हमसे ना टकराना, जख्म, इलाका, मर मिटेंगे, राम अवतार, दादागिरी, मरते दम तक, इंसाफ, पाले खान, आग और शोला, जान की बाजी, करिश्मा कुदरत का, कसम पैदा करने वाले की और माँ कसम में काम किया था। और ये सभी वो फिल्में हैं जिनमें मानिक ने दमदार तरीके से किरदार निभाए और अपने किरदारों से अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी। वैसे तो इनके करियर की आखिरी फिल्म 1992 में रिलीज हुई दीदार थी, जिसमें ये बाटली दादा बने थे, लेकिन इनकी एक फिल्म साल 2000 में भी रिलीज हुई थी जब ये फिल्म में दंगा दादा बने थे। ये इनकी पुरानी फिल्म थी जिसमें ये जंगा दादा बने थे, जो काफी दिनों बाद रिलीज हो पाई। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मानिक ने फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की कर ली थी। छोटे छोटे रोल करेटिव रोल्स में ही मानिक ने अपना वो मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में बना लिया था कि हर बड़ी एक्शन फिल्मों में इनके एक या दो सीन्स होते थे। मानिक ने पैसा भी खूब कमा लिया। पैसा आया तो बुरी आदतें भी आ गई। मानिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, इतनी ज्यादा कि हर वक्त नशे में डूबे रहते थे। कई दफा मानिक शराब के नशे में ही जिम एक्सरसाइज करने बहुत जाते थे और यही आदत मानिक पर बहुत भारी पड़ गई। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत खराब हुई तो शूटिंग्स पे जाना भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मानिक को काम करना बंद हो गया। काम की कमी हुई तो पैसा भी खत्म होने लगा। मानिक की मनोदशा और ज्यादा खराब होने लगी। वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। हद से ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर दिन ब दिन ख़राब होता चला गया। कहा जाता है कि जब काम मिलना काफ़ी कम हो गया तो एक दफ़ा ये सुनील शेट्टी के पास काम मांगने गए थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने इन्हें काम देने के बजाय सलाह दी, तुम फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर करना शुरू करो। सुनील शेट्टी की सलाह को मानिक ईरानी ने माना भी और कुछ बी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने बतौर स्टंट डायरेक्टर काम भी किया, लेकिन इससे उनका कुछ भला नहीं हुआ। जिंदगी के आखिरी दिनों में मानिक ईरानी को भयंकर पीलिया हो गया था और लोग कहते हैं कि उन्होंने पीलिया में भी शराब पीना नहीं छोड़ा और आखिरकार साल 1991 में 16 जून को महज 48 साल की उम्र में मानिक ईरानी की मौत हो गई। एक वक्त पर उन्होंने नामी चेहरा रहे मानिक ईरानी खामोशी से गुमनामी ये दुनिया छोड़ गए। पीछे रह गए मानिक की पत्नी और उनका बेटा शनूर ईरानी। मानिक का बेटा शनूर ईरानी भी एक्टर था। शनूर ने कुछ फिल्मों में काम किया। गोविंदा और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म हद कर दी आपने में शनूर ने एक नीग्रो आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन पता चलता है कि शनूर ईरानी भी कुछ वक्त पहले मौत हो गई। हालांकि ये जानकारी हमें नहीं मिल सकी कि शनूर ईरानी की मौत की वजह क्या थी। मानिक ईरानी का एक भाई भी थे जिनका नाम यूसुफ ईरानी था। यूसुफ ईरानी भी इनकी ही तरह एक्टर थे। उन्होंने गंगा की सौगंध और कुर्बानी में काम किया था। हालांकि इसके बाद यूसुफ ईरानी का किसी भी फिल्म में कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही हमारे पास उनकी कोई खबर है। भले ही मानिक ईरानी कोई बड़े स्टार ना हो, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपना इतना मुकाम तो बना ही लिया था कि किसी फिल्म में उन्हें देखकर लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते थे। और इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि मानिक ईरानी ने जिस तरह दुनिया का करियर और ज़िंदगी तबाह की, वैसे कोई और भी ना करे, ना कोई कलाकार और ना ही कोई आम इंसान। आज फिल्मी दुनिया में मानिक ईरानी तो शायद ही कोई याद करता होगा, लेकिन किस्सा टीवी मानिक को याद करता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।